नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। जिस तरीके से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, दो महीने के बाद देश भर में लोकसभा के तमाम राज्यों में यहां पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आगामी वक्त में यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं की भरमार भारतीय जनता पार्टी में हो गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी यहां से अपनी जीत सुनिश्चित करती हुई नजर आ रही है। अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक दिग्गज नेता की बात करनी यहां पर बेहद जरूरी हो जाती है और उस दिग्गज नेता का नाम यहां पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी के साथ कदम ताल करती हुई नजर आई, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी के साथ करीब 3 दशक तक उनकी पीढ़ियां जो है लगातार जुड़ी हुई थी, लेकिन यहां पर एक बड़ा सियासी उलटफेर होता हुआ नजर आता है। वर्ष 2018 में जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकते हैं, लेकिन कमलनाथ को मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के द्वारा बना दिया जाता है। अब चर्चा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक करियर की। वर्ष 2002 में उनके पिता माधवराव सिंधिया की निधन के बाद यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को करियर में पहली बार ही सांसद बनने का मौका मिला। इसके बाद वक्त आता है वर्ष 2004 का। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद का चुनाव लड़ते हैं और बड़ी जीत दर्ज करके आते हैं। परिणाम स्वरूप उनको मनमोहन सिंह की सरकार में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री का पद दे दिया जाता है और उसके बाद लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन वर्ष 2004 के बाद 2009 में भी वही कांग्रेस पार्टी की टिकट पर गुना शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2009 में प्रचंड जीत हासिल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को गुना सीट से करारी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हाईकमान और गांधी परिवार के काफी करीबी बन जाते हैं। 2009 के चुनाव में जीत के बाद फिर से उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है और अब लगातार जो देश की राजनीति है उसमें बड़ा नाम कमा चुके थे यहां तक आते आते ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन इसके बाद वक्त आता है 2014 के लोकसभा चुनाव का और कांग्रेस पार्टी के बैनर तले यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर करारा शिकंजा कसते हुए नजर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब केंद्र में मंत्री बने हुए थे और उस वक्त यहां पर मनमोहन सरकार में कांग्रेस पार्टी की तमाम नीतियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन वक्त ने करवट ली। वक्त आया 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल होती है और मुख्यमंत्री के पद पर यहां पर असमंजस शुरू हो जाता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दोनों दिग्गज नेताओं के तौर पर ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके बाद काफी नाराज नजर आते हैं क्योंकि कमलनाथ के सर पर मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया जाता है और इसके बाद करीब 2 सालों तक यानी कि 2020 का वक्त आते आते ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार होना पड़ता है कांग्रेस पार्टी से। वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से एक तरीके से प्रभावित हो जाते हैं और यहाँ पर कमलनाथ को करारा झटका देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों को साथ लेकर के भाजपा के खेमे में जुड़ जाते हैं। उसके बाद लगातार जो है सियासी अटकलें लगातार जारी रहती है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना देती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत करने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता किस तरीके से उन पर आग बबूला होते हैं, देखिए इस खास वीडियो में। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है, और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे।
मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं, 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। ये जबलपुर शहर है, आप सब जानते हैं, देश प्रदेश चलाने के लिए देखिए एक विजन चाहिए होता है, एक नजरिया होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए निर्माण करवाने की। इस शहर में जितने काम कराए गए थे, जो कांग्रेस की सरकारों ने कराए, वो एक नजरिए के साथ कराए, आपके विकास को लाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में IIT जैसे बड़े संस्थान बनाए, इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई, राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया, मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक नजरिया था उनके दिल में, उनके मन में एक नजरिया था कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। आज जो हम काम कर रहे हैं उसका 15-20 सालों में, 25 सालों में क्या असर पड़ेगा। तो जबलपुर एक ऐसी शहर है जो उस नजरिए को लेकर उसका निर्माण हुआ। तो आपने सुना, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, तमाम नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच वर्ष 2020 में जब शिवराज सिंह चौहान के नाम की ताजपोशी मुख्यमंत्री के रूप में कर दी जाती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारा झटका लगता है, क्योंकि उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में बगावत करके भाजपा में गए थे। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक चाणक्य नीति खेलती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है वर्ष 2021 में। राज्यसभा सांसद बनने के बाद यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार संभाल दिया जाता है। और जिस तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए नजर आते हैं, वो तमाम कांग्रेस पार्टी की उन रणनीतियों का भी यहाँ पर मुखालफत करते हुए नजर आते हैं, जिन रणनीतियों की यहाँ पर कभी गुणगान करते हुए नजर आते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन वक्त आ चुका है 2024 का। 2024 के लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी सीट से जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, उनके लिए अब मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। मुश्किलें इस कदर खड़ी होती नजर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देने पर भी असमंजस में फंसी हुई है कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार की तरह हार तो नहीं जाएंगे। और यही यहां पर अटकलें लग रही है कि आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिकट गुना शिवपुरी सीट से कट जाती है तो क्या उनका सियासी भविष्य भी अधर में लटक जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2023 में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यहां पर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतियों का गुणगान करते नजर आते हैं, देखिए खास रिपोर्ट। मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ
कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस संकल्प, उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। और आज के इस अवसर पर जब हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम उन रणनीतियों का यहाँ पर गुणगान करते नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी नेता हैं, दूरदर्शी सोच होने के कारण उनकी जो तमाम यहाँ पर विचारधारा है उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ और उसी के साथ साथ आगे बढ़कर देश को और मध्य प्रदेश को जो है आगे आने वाले वक्त में हम नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर फिर से लोकसभा के चुनाव की टिकट हासिल कर पाएंगे, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर दरकिनार होते हुए नजर आए थे और 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में आए 22 विधायकों में से 50% विधायकों के टिकट विधानसभा चुनाव में काट दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की टेंशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब देखना यही होगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगामी 2024 में होने वाले चुनाव में 2 महीने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से मैदान में उतारती है। तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी करियर अब आधार में लटकता हुआ नजर आ रहा है, उसके आधार पर सियासी अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह नहीं बनती दिख रही है और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ा झटका भी दे सकती है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।